हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावनाज हैंग आउट। और आज हम बनाएंगे सब्जियों से भरा हुआ बेसन का चीला। और अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो यकीनन आप इसके दीवाने हो जाओगे। बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज जिसे मैंने चॉपर से बारीक किया है, आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं। साथ में एक शिमला मिर्च ली है और मुठ्ठी भर धनिया लिया है और एक टमाटर लिया है। टमाटर के मैंने यहाँ पे बीज नहीं निकाले हैं, बीज के साथ ही इसे मैंने चॉप किया है। अब बड़े बर्तन में हम क्या करेंगे, बेसन ले लेंगे। और ये चीज़ आप श्योर कर लें कि बेसन के अंदर कोई गंदगी ना हो, आप या तो उसे छान के ले लें और अगर बेसन साफ है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। फिर डालेंगे बेसिक मसाले जिसमें मैंने डाला है नमक, ये स्वाद अनुसार आप डालें। साथ में लाल मिर्च पाउडर, फिर जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए। और अब इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये भी इसे एक अच्छा कलर देगा। साथ में डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा यूज़ करेंगे हम इसके अंदर हींग को। फिर डालेंगे इसके अंदर अजवाइन, क्रश करके आप इसको थोड़ा सा डाल सकते हो, ये भी इसे बहुत अच्छा टेस्ट देगी। बस इन सारी चीज़ों को हमें मिलाना है और इसके बाद अब हम इसका बैटर बनाएंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। अब यहाँ पर आपके लिए एक टिप ये है कि आप इसमें एक साथ ही बहुत सारा पानी ना डालें। अगर आपने इसमें एक साथ बहुत सारा पानी डाल दिया तो इसमें बहुत सारे लम्स बन जाएंगे और भाई फिर उन्हें मिटाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाओ और इसे चलाते जाओ, इससे क्या होगा हमारा बैटर अच्छा बनके तैयार होगा और बिल्कुल भी लम्स उसके अंदर नहीं बनेंगे। तो ये देखो यहाँ पे अभी, लेकिन ये गाढ़ा है तो मैं यहाँ पे पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने से आपको आइडिया भी रहेगा कि हमें इसके अंदर कितना पानी डालना है। एक घोल यानी कि एक अच्छी फैलने वाली कंसिस्टेंसी तक पानी डालना है। बस इसके अंदर हम फिर ऐड कर देंगे सब्जियां जो हमने पहले से चॉप करके रखी हुई है। जो सब्जी आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो नहीं पसंद उसे आप स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे अच्छे से। तो उससे हमें और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमें इसके अंदर और कितना पानी डालना है। तो यहाँ पर ये मुझे हल्का सा अभी गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। अब ये बैटर हमारा बिल्कुल सही तैयार हो गया। अब इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो ये 10 मिनट बाद आप देखिए बढ़िया बैटर तैयार है हमारा। तो अब यहाँ पे मैंने रखा है तवा और तवे के ऊपर डाल देंगे घी या फिर रिफाइंड ऑयल, जो भी आप खाते हो उसमें आप बना सकते हो। तो मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। चिकना करने के बाद में यहाँ पे 2 भर के चम्मच मैंने डाल दिए हैं और इसे हम फैला देंगे। सब्जियाँ बारीक कटी होंगी तो आपका चीला बहुत अच्छे से फैलेगा, और मोटी मोटी अगर आपने सब्जियाँ काटी तो आपका चीला सही से नहीं फैल पाएगा। बस इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। आप अभी देखिएगा ऊपर से कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये नीचे से हमारा सिक चुका है, तो अब हम बारी आती है इसे पलटने की। तो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर हम डाल देंगे और ऊपर से इसे थोड़ा सा चिकना करने के बाद क्या करेंगे, हम पलट देंगे। ये इजीली निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और आप देखो बढ़िया हमारा सिका है। दोनों साइड से हमें इसे सेक सेक के तैयार कर लेना है और सारे चीले इसी तरीके से बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि कलर थोड़ा सा और गोल्डन यानी कि इसकी सिकाई थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप उस वाली सिकाई तक भी इसको सेक सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 तरीके से आपको सेक कर दिखाया है, जैसे आपके घर में पसंद करें आप उस तरीके से बना सकते हो। और ये हमारे चीले फटाफट बनके तैयार हो जाते हैं और आप चाहें तो इन्हें सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम।